सो यू आर कमिंग टू दिस चैनल, सभी चैनल्स हो आए, लिसनिंग वॉज अ बिट फास्ट, बार चार्ट आया था, रीडिंग में म्यूजिक था, आज जीटी का तो एग्जाम नहीं था, ये सब आप कर आए हो, है ना? सो हाउ अबाउट टास्क टू? ईजी था बट सम ऑफ यू फाउंड इट डिफिकल्ट, एग्जाम्पल्स नहीं थे, ऑल दीज थिंग्स, यू नो, हम एग्री कर सकते नहीं थे, हम डिसएग्री नहीं कर सकते थे, मैम इसमें तो पार्शियल नहीं कर सकते थे, बेटा ऐसे नहीं होता. सो आई एम गोइंग टू रीड आउट द क्वेश्चन टू यू, आई विल कीप इट शॉर्ट एंड स्वीट सो दैट यू कैन चेक योर टास्क टू वॉट यू हैव रिटन. ओके, सो द क्वेश्चन वॉज, इन सम कंट्रीज celebrities complain about the way the media publicize their private lives. Some people say that they should accept it as a part of their fame. Do you agree or disagree? Ab aap agree kare disagree kare aisa koi problem nahi hai. And I will, main is baar introduction bhi thoda sa aapko bataungi kaise karna tha. So you could have said privacy invasion, I have written it, is an inherent part of the fame, है ना? वो तो inherent है. अब मैं explain, being a celebrity means living in the public eye and media attention is a natural consequence of their fame, है ना? वो natural है. As public figures they should understand that their personal lives may be subject to scrutiny. आप ऐसे लिख सकते थे. So media जो coverage है it boosts their career, है ना? तो पॉजिटिव अगर मीडिया कवरेज अटेंशन होता है, इट एनहांसेस द सेलिब्रिटीज पॉपुलैरिटी एंड सक्सेस एंड इट गिव्स मोर अपॉर्चुनिटी उनको मिलती है और अर्निंग्स भी उनकी बढ़ जाती है. सो एम्ब्रेसिंग मीडिया कवरेज कैन हेल्प देम मेंटेन रेलेवेंस एंड इट कैन ऑल्सो सस्टेन देयर करियर्स, उनको फायदा ही फायदा. देन ऑल्सो द पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो जस्टिफाई करता है कि उनको मीडिया कवरेज होना चाहिए. द पब्लिक क्यूरियोसिटी होती है अबाउट द सेलिब्रिटीज. देखो बेटे एग्जाम्पल्स मैं आपको बाद में दे रही हूँ सारे इसके, बिकॉज आई हैव टू एक्सप्लेन ऑल पॉइंट्स. तो पब्लिक को क्यूरियोसिटी होएगी, है? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड द मीडिया जो आउटलेट्स हैं दे कैटर टू दिस डिमांड. देखो मिलेगा, सेलिब्रिटीज शुड रिकग्नाइज दैट मीडिया कवरेज is a reflection of their fans' interest and engagement. Agar media coverage nahi hogi, to aisa hai. So, aap keh sakte ho, it is pehla point jo maine introduction mein kaha tha, that wo inherent part hota hai. Ye to ek beech mein ek included element hai. Okay, now disagree bhi aap kar sakte the. Right to privacy, hai na? Sabhi, every individual का अपना राइट है कि वो अपनी प्राइवेट लाइफ नहीं दिखाना चाहते, ना? सो द मीडियाज इंट्रूजन मींस इंटरफेरेंस कैन बी ओवरवेलमिंग एंड डिस्ट्रेसिंग. देखो वो कैब भी नोट कर लो, दे शुड नॉट बी कंपेल्ड टू एक्सेप्ट इन्वेजन ऑफ देयर पर्सनल लाइफ्स. नोट डाउन द एंड सिंपली बिकॉज दे आर फेमस. अच्छा फेमस है इसलिए हम करेंगे, नो. मेंटल हेल्थ कंसर्न्स, मैं एग्जाम्पल्स दूंगी. कॉन्स्टेंट मीडिया अटेंशन क्या होता है, उससे क्या होता है? एंजाइटी, डिप्रेशन, है ना? और स्ट्रेस हो जाता है. तो उनको हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट वी शुड प्रोटेक्ट देयर वेलबींग अपने सेलिब्रिटीज की बाय लिमिटिंग द इंटरफेरेंस, है ना? देन इम्पैक्ट ऑन पर्सनल रिलेशनशिप्स. ये तो आप देखते ही हो कि उनकी जो सेलिब्रिटी की प्राइवेट लाइफ का है वो स्ट्रेन हो जाती है, उनके रिलेशनशिप्स विद देयर फैमिली, देयर वाइफ, देयर फ्रेंड्स, देयर सिबलिंग्स. ओके, सो दे शुड हैव, उनको राइट होना चाहिए टू कीप सर्टन एस्पेक्ट्स ऑफ देयर लाइव्स अवे फ्रॉम द पब्लिक आई सो दैट दे कैन मेंटेन पर्सनल कनेक्शंस. अब एग्री के जो मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल्स ये है कि वो इनहेरिट पार्ट होता है, जैसे शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा है, है ना? इनको कितनी फेमस, क्योंकि इनको बहुत ज्यादा वो फेम मीडिया उनको कवर करती है. तो इनको मतलब इसको बोलते हैं पेपराजी, जो मीडिया इंटरफेरेंस होता है ना, तो वो इनहेरिट है. और चोपड़ा एंड ऑल,
देन बूस्ट भी करता है, जैसे अंशुमन था ना, ये अंशुमन खुराना था, हाँ, उसको बहुत पॉपुलैरिटी मिली थी, मेरे को याद है, विद दिस मीडिया कवरेज, तो उसको बड़े इंडोर्समेंट्स मिले, इंडोर्समेंट समझते हो ना, एडवर्टीजमेंट मिले। देन अब जैसे पब्लिक इंटरेस्ट बहुत बड़ा था जब अनुष्का एंड विराट कोहली वॉज टू गेट मैरिड, यू नो, बिकॉज यू नो दे द फैंस वे वेरी ईगर टू नो, तो ये था। हाँ, अब राइट टू प्रिवेसी है, जैसे देखो डायना, प्रिंसेस डायना, शी डाइड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पेपरेजी, है ना, वो उसको फॉलो कर रहे थे। इवन दीपिका पादुकोण और जय, ये जो ऐश्वर्या है, शी हैज ऑल्सो कंप्लेन्ड ओवर द पर्सनल लाइव्स, उनको बोले रिस्पेक्ट करो हमारा। अब जो ये मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स किसको हुई थी, एक्ट्रेस कंगना रनौत को हुई थी ना, शी यू नो बिल्कुल वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी, आई विल नॉट यूज दोज वर्ड्स बिकॉज इन यूट्यूब आप नहीं कर सकते, उसकी मेंटल हेल्थ यू नो खराब हो गया था, एंड यू नो सो वी नीड टू मेंटेन द बाउंड्रीज सो दैट देयर इमोशनल वेलबींग इज यू नो इंश्योर्ड। आप नोट किया जाए वो वोकैबलरी। देन रणबीर कपूर, यू नो उसका आलिया भट्ट से कोई रिलेशनशिप था, एंड यू नो रणबीर का, देन ऑफकोर्स दे गॉट मैरिड, बट उनके पर्सनल लाइफ्स में ये काफ़ी इफेक्ट हुआ था। सो चिल्ड्रन, इफ यू वॉन्ट कोचिंग इवेल्यूएशन और यू वॉन्ट एनी मटीरियल, इट इज ऑल अवेलेबल, एंड थैंक यू, एंड प्लीज कमेंट, शेयर एंड लाइक, दिस इज एन ऑनेस्ट चैनल। थैंक यू।